फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। फ्रेंड्स, दोनों ही स्टॉक बहुत ही शानदार है और ट्राइडेंट लिमिटेड तो एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको माला माल कर सकता है। ट्राइडेंट लिमिटेड का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है, सारी दूसरी कंपनियों से हटकर है और इसीलिए ट्राइडेंट लिमिटेड पे हमको भरोसा करना चाहिए। और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए या आने वाले समय में आपको बिल्कुल माला माल कर सकता है। तो क्या है उसके पीछे वजह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में ऊर्जा ग्लोबल में आगे बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है, उसके पीछे वजह क्या है इस वीडियो के माध्यम से हम उसको डिस्कस करेंगे। और फ्राइडे के दिन जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी, करीब 500 पॉइंट के करीब सेंसेक्स में गिरावट हुई, उसके बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड में करीब 7% के करीब उसमें तेजी बनी, तो क्या वजह बनी उसके पीछे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में ऊर्जा ग्लोबल के अंदर भी 5% का अपर सर्किट लगा, तो कुछ ना कुछ दमदार न्यूज है इन दोनों स्टॉक में, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहां तक ये स्टॉक दौड़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 14.55 पर और इसने हाई बनाई 15.80 की और इसका लो था 14.50 का, लेकिन गिरावट के बावजूद भी दिन भर इसमें एक तरफा तेजी रही और एंड में जो क्लोजिंग दिए वो है 15.40, करीब 6.94% अप पर क्लोजिंग दिए। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी है। मैंने आपको काफ़ी समय से खरीदारी के लिए इसमें बोला हुआ, मैंने 13.5-14 के आसपास में आपको खरीदारी के लिए बोला था और बहुत ही शानदार इसमें अब ऑलरेडी तेजी बन चुकी है और यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। और जिस तरह से इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई है, लग रहा है कि इसमें और अच्छी तेजी बनेगी। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास था, पिछले सप्ताह इसका 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था और बुधवार को सिर्फ 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे के दिन इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, बहुत ही भारी मात्रा में कामकाज हुआ है। और फ्रेंड्स, अभी स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये अपने 52 वीक से 9.73% डाउन पर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में इसने 8.51% का रिटर्न दिया है और इस दौरान निफ्टी ने -0.87% का रिटर्न दिया है, यानी निफ्टी माइनस में है रिटर्न, लेकिन इसने 8.5% का अच्छा रिटर्न दिया है। और फ्रेंड्स, और इसके पीछे वजह है सरकार की तरफ से जो PLI योजना है उसको रीलॉन्च किया गया है। जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं और बहुत सारे ऐसे 14 सेक्टर हैं जिसमें टेक्सटाइल उद्योग भी है, उनकी मदद के लिए सरकार अपनी तरफ से मदद करने जा रही है और राहत पैकेज की घोषणा वापस की है सरकार की तरफ से PLI स्कीम के तहत। और इसका फ़ायदा ट्राइडेंट लिमिटेड को मिलेगा क्योंकि इसका कामकाज एक्सपोर्ट का है और टेक्सटाइल उद्योग को सरकार बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हेल्प कर रही है आगे लाने के लिए। और चाइना का कारोबार धीरे धीरे बंद हो रहा है और इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इनको काम मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, ट्राइडेंट लिमिटेड का काम करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। इसको लगातार ट्राइडेंट को बहुत अच्छे अवार्ड मिल रहे हैं क्योंकि ट्राइडेंट जो काम कर रही है वही लोगों के भले के लिए कर रही है, यानी सिर्फ उनका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि लोगों की सेवा करना भी है। और इसीलिए ट्राइडेंट लिमिटेड को दिसंबर 2020 में ग्रैंड थॉर्नटन सावेरा अवार्ड मिला है पर्यावरण को बचाने के लिए, उनका योगदान पर्यावरण को बचाने में, क्योंकि कंपनी 5R के ऊपर काम करती है, यानी कंपनी कोई भी जो प्रोडक्ट यूज हो चुका है उसको फिर रीयूज करते हैं, यानी किसी और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपने कारोबार को चला रहे हैं और इसी वजह से उनको ग्रैंड थॉर्नटन सावेरा का अवार्ड मिला। साथ में कंपनी को 2020 में ही FICCI वाटर अवार्ड भी मिला है 2020 का, क्योंकि कंपनी जो वाटर यूज करती है उसको ट्रीटमेंट के द्वारा फिर से यूज करने लायक बनाती है, यानी वाटर को रीयूज करती है। और इस तरह से जो कंपनी काम कर रही है इस वजह से लगातार उसको बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं और यही कंपनी का जो काम करने का तरीका आने वाले समय में कंपनी को बहुत आगे लेकर जाएगा। और इस समय जो ये स्टॉक है एकदम बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, इसकी प्राइस जब 6 रुपये तब भी मैंने आपको बोला इसको खरीदो, मैंने लगातार इस पर वीडियो बना के बोला, लोगों को अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी मिल चुका है, 6 रुपये का शेयर 17-18 तक जाके आया, बहुत अच्छा लोगों को रिटर्न मिला और फिर से 13.5 रुपये के आसपास आपकी खरीदारी करवाई है मैंने, आने वाले समय में बहुत अच्छा इसको प्रॉफिट मिलेगा। काफ़ी समय से इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही थी, लोग टेंशन में आ गए थे कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मैंने कहा है कि इस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लो, एक झटके में गिरावट के माहौल में भी इसमें 7% की तेजी बनी है, तो इस पर आपको विश्वास करना चाहिए, यह बहुत ही शानदार स्टॉक है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, कंपनी ने यूरोपियन बाजार में एक नई टेक्नोलॉजी का पैटर्न भी करवाया है जिसके तहत वो बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए बहुत ही शानदार सॉफ्ट तरीके से टॉवेल बनाती है और उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी दमदार है कि आने वाले समय में यूरोपियन बाजार में उनका दबदबा हो जाएगा उनके प्रोडक्ट का,
और इस तरह से जो कंपनी लगातार काम कर रही है उसकी वजह से बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। साथ में कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के दौरान विजन 2025 भी पेश किया था, जिसके तहत आने वाले समय में 2025 तक जितने भी कंपनी से जुड़े हुए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनके जो बोर्ड मेंबर हो या फिर उनके शेयर होल्डर, सबको प्रॉफिट में लाना कंपनी का एक कमिटमेंट किया है कि सबको प्रॉफिट में लाना है। तो कंपनी की सोच बहुत ऊंची है और इसकी वजह से इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। और फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। कंपनी ने क्वार्टर थ्री के दरमियान 112.15 करोड़ का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिखा है। कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है और साथ में डिविडेंड भी बांटती है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो फिलहाल अगर यहाँ से गिरावट होती है स्टॉक में, तो वैसे तो बुलिश वातावरण बन रहा है, इसमें गिरावट नहीं होगी, लेकिन अगर गिरावट होती है, क्योंकि अगर बाजार में भयंकर गिरावट होती है तो फिर कोई भी स्टॉक रुकता नहीं है। तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 14.60 का है, सेकंड सपोर्ट 13.90 का है और थर्ड सपोर्ट 13.30 का है। तो गिरावट में ये फिर से 13-30 तक जा सकता है। अगर तेजी बनती है तो कहाँ तक जा सकता है? तो फिलहाल इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 15.90 का है और सेकंड टारगेट है 16.50 का और थर्ड टारगेट है फ्रेंड 17.20 का। तो करीब ये जो पहले इसकी हाई थी उसके आसपास फिर से पहुंच जाएगा, उसके बाद नई तेजी इसमें बन जाएगी। तो इस समय आपको मौका है ट्राइडेंट में खरीदारी करने का, बहुत ही ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप इसको एक साल के लिए होल्ड करके रखोगे फ्रेंड, तो इसकी प्राइस आपको 50 के पार जाती हुई दिखाई देगी, यानी इसका एक साल का टारगेट 50 का है। और अगर आप उसको कम से कम 2 साल के लिए होल्ड करके रखते हो तो आपको ये 3 डिजिट में जाते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये 100 के पार जा सकता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए और इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब हम फ्रेंड चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। फ्राइडे को स्टॉक 6.85 पर ओपन हुआ और दिन भर की वही हाई थी, यानी ये अपर सर्किट पे खुला था, लेकिन फिर इसमें सर्किट खुला और इसने लो बनाया 6.70 का, लेकिन फिर से इसमें सर्किट लगा और ये 6.85 पर 5% अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है। और फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार इसमें तेजी बन रही है और इसके पीछे वजह है सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल है वो सोलर एनर्जी का काम करती है, सोलर पावर पर काम करती है और सारे प्रोडक्ट सोलर एनर्जी पे ही बनाती है। और इस वजह से आने वाले समय में भविष्य जो है वो सिर्फ ग्रीन एनर्जी का है और इस वजह से कंपनी का भविष्य बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड, तो पिछला इस महीने में इसने अच्छा खासी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 28.27% अभी डाउन है 52 वीक से, और एक महीने में इसने -12.18% का रिटर्न दिया, यानी अभी ये अपने इसकी जो परफॉर्मेंस है डाउन में है, लेकिन बहुत अच्छी इसमें तेजी की संभावना पूरी बन रही है फ्रेंड। और इसके जो पीछे वजह है फ्रेंड्स, यूएन ने कहा है कि आने वाले 2030 तक सबके लिए अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी का निर्माण होना चाहिए, यानी ये कमिटमेंट किया हिंदुस्तान की तरफ से और दूसरी सब कंपनियों की तरफ से, आने वाले 2030 तक सबको ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है। और इसीलिए एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी और भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी के लिए सस्ती और क्लीन ग्रीन एनर्जी का निर्माण करना और उसे पूरी तरह से हमारे जीवन में उपयोग में लाना हमारा लक्ष्य है, और हमने ठाना है कि आने वाले 10 साल में सबके लिए ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने लायक और सबको सस्ती और ग्रीन एनर्जी मिल पाए उसका हमें लक्ष्य बनाकर हमने काम शुरू कर दिया है। ऐसा कहना है हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह का। तो फ्रेंड्स, सरकार ने भी इस तरफ से निश्चय कर लिया कि आने वाले समय में सिर्फ ग्रीन एनर्जी का ही इस्तेमाल होना चाहिए और इस सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल, इसीलिए इसको आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के कामकाज की बात करें तो कंपनी सोलर लैंप बनाती है, सोलर पंप बनाती है, सोलर लाइट बनाती है, सोलर हीटर और सोलर गीजर बनाती है, साथ में बहुत सारी अलग अलग बैटरियों का निर्माण करती है और साथ में इलेक्ट्रिक स्कूटी का निर्माण करती है, इलेक्ट्रिक रिक्शा का निर्माण करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट है ऊर्जा ग्लोबल के पास। और इसीलिए आने वाला समय है जो ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे जो भी बाजार में जो वातावरण में पोल्यूशन है उसको खत्म करना है और सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में सिर्फ ग्रीन एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाए। तो सोलर लाइट का बाजार में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है और बहुत ज़्यादा सोलर लैंप जो है इस्तेमाल होने वाले हैं। अभी जितने भी हाईवे के ऊपर सोलर लैंप लगेंगे फ्रेंड आने वाले समय में, तो इसका बहुत ज़्यादा ऑर्डर है जो ऊर्जा ग्लोबल को मिल सकता है। तो बहुत अच्छी तेजी बनेगी, तो इसको आपको खरीद के रखना चाहिए। एक पेनी स्टॉक है, लेकिन इसमें आप निवेश करोगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये एक पेनी स्टॉक है, तो निवेश उतना ही करें कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो अगर गिरावट हो तो। हम जरा इसके पिवट लेवल की बात कर लेते फ्रेंड। अगर इस स्टॉक यहाँ से गिरता है तो पहला जो सपोर्ट है वो है 6.77 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 6.53 तक। थर्ड सपोर्ट है फ्रेंड वो है 6.17 का। तो गिरावट में ये 6.17 तक जा सकता है, लेकिन तेजी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा? तो फिर
फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स वो है 7.37 का, सेकंड टारगेट है 7.73 का और थर्ड टारगेट है 7.97 का। तो ये अभी तेजी में 8 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और आगे इसमें बहुत अच्छी तेजी बनेगी और जैसे ये 10 को पार करेगा इसमें भयंकर तेजी बनेगी फ्रेंड। तो आपको इस समय इसमें निवेश करके रखना चाहिए और आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में तो डेफिनेटली निवेश करना ही चाहिए। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, हमारे मार्केट का सबसे अच्छा स्टॉक है, जो कंपनी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में काम करती है। ट्राइडेंट लिमिटेड का केमिकल का बिजनेस भी है, उसका पेपर का बिजनेस भी है और साथ में बात लेनिन और बेड लेनिन का काम करती है कंपनी, और अभी उन्होंने सर्प का बिजनेस भी शुरू किया। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई बिजनेस कंपनी करती है और इस वजह से बहुत ही ज़बरदस्त आगे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको निवेश करके रखना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।